मैं वीणा पाणी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। यहाँ पधारे सभी मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम जम रहा है। अभी मेरे मित्रगण पढ़ के गए हैं तो तमाम बातें हुई, वो व्यंग कर रहे थे, तंग कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। चार पंक्तियां सबसे पहले आपकी तरफ फेंकता हूँ, संभालिएगा कि जिंदगी का मायना देखा करो। अच्छा। जिंदगी का मायना देखा करो। हाँ भाई। दोस्त मेरे आईना देखा करो। वाह। जिंदगी का मायना देखा करो, दोस्त मेरे आईना देखा करो, क्या हुआ हर सानिया है बेवफा, सोच बदलो साइना देखा करो। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। सोच बदलो साइना देखा करो। चार पंक्तियां आपको और समर्पित है, उसके बाद मैं काव्य पाठ अपना प्रारंभ करता हूं कि खुदा की रहमतों से पूछ लेना, खुदा की रहमतों से पूछ लेना, फिजा की रौनकों से पूछ लेना, हमारा मोल क्या है क्या बताएं, हमारे दोस्तों से पूछ लेना। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह। हमारे दोस्तों से पूछ लेना, पूछ लेना। चार पंक्तियां और समर्पित करता हूं आपको। एक चंद लम्हों के खुदा से कुछ गुजारिश क्यों करें। अच्छा। चंद लम्हों के खुदा से कुछ गुजारिश क्यों करें, हम किसी महफिल में अपनी ही सिफारिश क्यों करें। हम किसी महफिल में अपनी ही सिफारिश क्यों करें, है हुनरगर वाकई तो वक्त अपना आएगा, लोग पहचानेंगे खुद ही हम नुमाइश क्यों करें। क्या बात है, क्या बात है। पहचानेंगे खुद ही हम नुमाइश क्यों करें। भाई भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। बिन ब्याहे बरमाला का क्या सौभाग्य है, वाह। चार पंक्तियां प्रारंभ करता हूं, अब काव्य पाठ शुरू करता हूं। आप सबका आशीष एक बार मिल जाए, मुझे लगे कि ये लखनऊ वाले लोग एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं चार पंक्तियां रखता हूं। कार्यक्रम जिस नाम से है याद करो कुर्बानी, तो मैं चार पंक्तियां उन देवताओं के चरणों में रखता हूं जो कि अपने प्राणों को आहूत कर देते हैं इस देश के लिए, इस धरा के लिए, इस मातृभूमि के लिए। कि इन भुजाओं की तुला से आपने तोली विजय, इन भुजाओं की तुला से आपने तोली विजय, प्राण फीके पड़ गए पर देह में घोली विजय, प्राण फीके पड़ गए पर देह में घोली विजय, और श्वास अंतिम भी धरा के नाम ही करके गए, है हे पुरोधा है नमन शतबार यह बोली विजय, हे पुरोधा है नमन शतबार यह बोली विजय। अब बिना किसी भूमिका के मैं चार पंक्तियों में बात करूंगा, फिर गीत के साथ विराम लूंगा। चार पंक्तियां आप सामने बैठे हुए सभी युवा भाइयों को समर्पित हैं कि युवा पीढ़ी के ऊपर अक्सर प्रश्न चिन्ह लगा करते हैं कि ये बिगड़ी हुई पीढ़ी है, तो चार पंक्तियां आपकी असल सच्चाई की और उसके समाधान की भी चार पंक्तियां देता हूं कि ये अपनी ही विफलता को सफलता में ढालते हैं, अपनी ही विफलता को सफलता में ढालते हैं, जो काबिलियत को नहीं ख्वाबों को पालते हैं, और जो काबिलियत को नहीं ख्वाबों को पालते हैं, जिनको मुसीबतों का कचूमर निकालना था वो आजकल सिगरेट के छल्ले निकालते हैं, जिनको मुसीबतों का कचूमर निकालना था वो आजकल सिगरेट के छल्ले निकालते हैं, और ये जरा सी बात अब कानों में डाल लेना। अच्छा। ये जरा सी बात अब कानों में डाल लेना, बिगड़ी हुई औलाद को झट से संभाल लेना। अच्छा। और घर से निकालने की नौबत जो कभी आए, माता पिता को चाहिए जूता निकाल लेना। क्या बात है, क्या बात है, माता पिता को चाहिए जूता निकाल। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए गीत के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ। आपका स्नेह मिले, आपका प्रेम मिले, सुनेगा कि कहां से आजकल इस दौर में नवोदित कवियों में भी हम देखते हैं, कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों में भी देखते हैं, लिखने का जो प्रचलन है केवल व्यापारिक लेखन हो रहा है आजकल। आप सब मनीषी लोग बैठे हैं, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आपका आशीर्वाद मेरी बात पे मिले। व्यापारिक लेखन हो रहा है, सामाजिक लेखन नहीं हो रहा। हम लोग समाज को दिशा देने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं असमर्थ हैं। तो कुछ पंक्तियों में, एक छोटे से गीत में आपको बताना चाहता हूं, एक आईना दिखाना चाहता हूं इस नई पीढ़ी को, क्या लिख रहे हैं, आपको क्या लिखना चाहिए। स्वागत है आकाशी कि गुलाबी गाल इतने पे बच जाती है। एक वो तो एक देश की बड़ी कवित्री है, वो तो पिछले 5 साल से गुलाबी गालों पे बजवा रही है। और एक वो दिल्ली वाले भाई साहब, गुलाबी नहीं है लेकिन गालों पे बजते हैं उनके। खैर
सुनेगा कि गुलाबी गाल लहरते बाल लचकती कमर मटकती चाल कटीले नैन साथ दीजिए साथ दीजिए लचकती कमर मटकती चाल कटीले नैन मधुर मुस्कान हृदय की पीत प्रणय का गान भले आवश्यक है श्रृंगार मगर संग संग लिखो अंगार लिखो टूटे मन के उद्गार लिखो शिश की भरता संसार लिखो बहते नयनों का नीर गुलाबी गाल वाह स्नेह मिले अगली पंक्ति में सुनिए क्या बात है भाई वाह कि लिखो बुझते नयनों की आस लिखो सूखे अधरों की प्यास लिखो भूखे पेटों की आह लिखो रोते बचपन की चाह लिखो रोटी को फैले हाथ लिखो मजबूर पड़ा फुटपाथ लिखो कब किसने बोए शूल लिखो अपने पुरखों की भूल लिखो तुम जनगण मन की पीर लिखो बहते नयनों का नीर अगले पंक्ति सुनिएगा कि रुंधे से कंठों की आवाज लिखो सच का सुना आकाश लिखो देवी की जलती लाश लिखो हस्तिनापुरी है मौन लिखो आखिर दोषी है कौन लिखो दुशासन का परिपोष लिखो तुम पांचाली के चीर लिखो बहते नयनों का नीर गुलाबी गाल वाह 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 वाह